हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबने कई तरह की खीर खाई होगी, चावल की, लौकी की, साबुदाने की, लेकिन आज मैं आपको ब्रेड की खीर बनाना बताऊंगी। ये कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। ब्रेड की खीर बनाने के लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए। मैंने ये 5 ब्रेड की स्लाइस ली हैं, मैंने इनको साइड से कट कर लिया है, और एक कटोरी चीनी। खीर के लिए हम दूध फुल क्रीम का लेंगे। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, केसर, थोड़ी सी किशमिश, बादाम। बादाम को मैंने भिगो दिया है और उसके छिलका उतार के स्लाइस में काट लिया है। सबसे पहले हम ब्रेड को टुकड़ों में करेंगे। सभी ब्रेड को मैंने तोड़ लिया है। सबसे पहले हम दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे, और जो हमने ब्रेड तोड़ के रखी हुई थी उसका हमें एक महीन पाउडर बनाना है मिक्सी के अंदर। ब्रेड को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी है, उसको पहले गर्म करेंगे। ब्रेड क्रम्स को हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। हमें इनको हल्का सा भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना। भुनी हुई ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। जब इसकी हम खीर तैयार करते हैं या रबड़ी तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। दूध भी एक साइड हमारा उबल रहा है। दूध को हमें अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाना है। ब्रेड को हमने अच्छे से भून लिया है, मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट भूना है। दूध हमारा अच्छे से पक गया है, मैंने इसे 5 मिनट पकाया है धीमी आंच पे। इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स उसमें डालेंगे। मेरे पास जो किशमिश थी उसमें से भी किशमिश हम ऐड करेंगे, हाफ करेंगे। थोड़ी मैंने बचा ली है गार्निशिंग करने के लिए, और बादाम भी आधे ही डालेंगे। दो मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है। मेरे पास जो 1 कटोरी चीनी है उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। मेरे पास ये केसर है, केसर को भी मैं उसके अंदर डालूंगी। केसर से बहुत अच्छा कलर आता है और एक अच्छी सी स्मेल आती है केसर की। ब्रेड की खीर ऐसी है कि आपके घर अगर कोई गेस्ट आ रहा है, आपके पास टाइम कम है, तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार होती है हमारी ब्रेड की खीर। चावल की खीर में हमेशा टाइम लगता है, लेकिन ब्रेड की खीर हमेशा जल्दी बनती है। खीर हमारी सिम गैस पे पक रही है और अच्छे से गाढ़ी हो गई है, लेकिन हमें इसे ज्यादा गाढ़ी नहीं रखना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, और खीर को हमेशा ठंडा करके ही खाना चाहिए। इसके बाद मैं जो मेरे पास इलायची पाउडर था वो ऐड कर दूंगी और इसको 1 मिनट और पकाऊंगी। बनकर तैयार हो गई है, और देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं और थोड़ी गार्निशिंग करते हैं।
खीर को मैंने गार्निश कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है खीर। ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत जल्दी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।